इंदौर के पंडरीनाथ चौराहे के गर्भ पंडाल में पहचान छुपाकर आए 7 मुस्लिम युवकों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की है। ये युवक वहां फोटो वीडियो बना रहे थे। उनकी हरकतें देखकर वहां मौजूद बजरंग दल के सदस्यों को उन पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने उनका नाम पूछा और आईडी दिखाने को कहा। सभी युवकों ने अपने नाम गलत बताए, आईडी मांगने पर भी नहीं दिखाई। इसके बाद उन युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज किया गया है। रीवा में एक टीचर ने 8वीं के स्टूडेंट को जमीन पर पटक कर जमकर पीटा। टीचर ने उसके बाल पकड़कर चाटे और घूंसे मारे। मामला मंगलवार को गुढ़ थाना क्षेत्र के खजुआ कला के सरकारी स्कूल का है। इसका वीडियो बुधवार को सामने आया। इसके बाद आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एसपी नवनीत भसीन ने जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं। उन्हें अचानक दिल्ली बुलाया गया है, वे रात तक दिल्ली पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह कल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर सकते हैं। वे इसके संकेत भी दे चुके हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बाद उनका नाम तेजी से सामने आया है। वहीं कमलनाथ ने भी खुद को कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर बताया है।